खबर गुना से है जहां पर भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विकास जैन नकाली ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी विशेष महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। इस अभियान में गुना जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विशिष्ट परिवारों से संपर्क और सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता द्वारा संपर्क किया जा रहा है। इसी को लेकर गुना से भाजपा जिला अध्यक्ष और विधायक ने विधानसभा में पत्रकार वार्ता की। खबर मथुरा से जहां गोवर्धन क्षेत्र के गांव अड़ी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर स्वास्थ्य जागरूकता रैली निकाली गई है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वातावरण निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। जगह जगह जागरूक रैली और योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को योग के प्रति प्रेरित किया जा रहा है। योगाभ्यास कार्यक्रम में बच्चे युवा और प्रबुद्धजन अनुसार से भाग लेकर कार्यक्रम को ऐतिहासिक भव्य और यादगार बनाने का संकल्प ले रहे हैं। और परिवार की तरफ से हम लोग पूरे भारतवर्ष में योग दिवस मनाया जाना है उसकी जागरूकता के लिए यहाँ पे एक सुबह की रैली निकाले हैं और इसमें हमारे बच्चे भी हैं और गांव के लोग भी हैं और गांव के लोगों को जागरूक बनाना है ताकि वो स्वस्थ रहें, उनका जीवन स्वस्थ रहे। इस योग का यही उद्देश्य है कि हम बीमार न पड़े, बीमार होने से पहले ही अपने आप में इस तरह से अपने शालाओं को इस तरह से रखें। खबर बस्ती से है जहां गौर बिरोपुर प्रकरण के शालनी यादव मामले में एक नया मोड़ आया है। वहीं कुंदन की माने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा निर्दोष और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर विवेचना हो। बता दें कि कुंदन की माता ने सीसीटीवी फुटेज और लोकेशन निकलवाकर विवेचना में शामिल करने के लिए एसपी को प्रार्थना पत्र दिया। बच्चे को फंसाया गया, आपके क्या मामला बुरा रहा? बच्चों को फंसाया गया। किस किस मामले में? वो जो हमारे क्या कांड वाला? पूरा बताइए ना। हमारे किसी कमरे का और उसको किस मामले में जो रेप कांड हुआ उसमें आपके बच्चे का नाम लगा है? तो जिस घर का जो प्रयोग हुआ है आखिर में कैसे वहाँ पे लोग पहुँचे? किसको दिए? नंबर बदल गया नाम? हाँ, क्या हुआ फिर? घटना के वक्त कुंदन कहाँ थे? रूम के दरवाजे का सामने। उसका कोई साथ है आपके पास? जी, सिर्फ फुटे है। आपने कतान साथ में मिले हैं? कतान साथ में क्या रकम दिया आपको? जब ये घटना हुई है तब आपने पुलिस से नहीं बताया कि हमारा बेटा है इसमें नहीं शामिल था? शुरू में जब ये नाम डाला गया था तब आपने नहीं बताया था? मेरा अभियुक्त बनाया गया आपके बेटे को, ऐसा क्यों? सर ये मकान के लिए सर बनाया गया। अच्छा, जब कुछ ऐसा आया जाओ और किसी सरकार की खबर प्रयागराज से है जहां गंगा स्नान करने के लिए गया युवक अचानक से लापता हो गया और लोगों ने गंगा में डूबने की आशंका जताई, लेकिन सुबह रहस्यमय तरीके से सरे से बंधा हुआ युवक जिंदा मिला तो गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। कुछ नहीं यार, हम लोग नहाकर दो लोग थे, हम थे हमारे दोस्त, नहाकर ऊपर आया वो, ऊपर था वो रो रहा था, मुझे मैं गया था जल लेने, मैं जल लेकर वापस आ रहा तो पांच लोग आए, बोले बेटा पानी पिला दो, बोतल लिया था मैं, बोला ले पानी पी लो, पानी पी लिया थे, एक बोतल हाथ में लिया, पीछे से आया मालूम नहीं क्या, दस हाथ मुंह में लगाया, उसके बाद मुझे नहीं पता। रात में एक बार अंधेरे समय में मुझे आया होश, तो सब बना हुआ था वहाँ पर, थोड़ा मैं झटक उठक के बाहर निकला तो हाथा पानी ये सब कपड़ा वपड़ा फाड़े, उसके बाद फिर वही सुना लिए, उसके बाद सुबह में जब होश आया तो वहाँ पर कपड़ा निकला झाड़ी में, यहाँ से डेढ़ किलोमीटर होगा कौन झाड़ी, हाँ वहाँ से फिर मैं ऐसे आ रहा हूँ।
खबर मथुरा से है जहां जनपद के सबसे बड़े एजुकेशन हाबा बीएससी इंजीनियरिंग कॉलेज मथुरा में पिछले चार महीनों से आघोषित विद्युत कटौती के विरोध में छात्रों का धरना जवाब दे गया। वही पांच घंटे से लगातार विद्युत कटौती के विरोध में कोचिंग को छोड़कर सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने ऊर्जा मंत्री के खिलाफ नारे लगाते हुए रोड को जाम किया और विद्युत कार्य प्रणाली के विरोध में शहरी अधिशासी अभियंता जूनियर इंजीनियर के खिलाफ अपना विरोध प्रकट करते हुए छात्रों ने चेतावनी दी कि अगर हमारे यहाँ पर बिजली ऐसी समस्या रही तो छात्र बड़ा आंदोलन करेंगे। खबर देवास के बागली से जानकर के पीर स्थान की मशहूर प्राचीन दरगाह में सालाना उसके मौके पर हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी और नूर अंजुमन इस्लामिया कमेटी द्वारा नगर की सांप्रदायिक एकता भाईचारे को पेश नजर रखते हुए नगर के सामाजिक आपसी संबंधों और मोहब्बत को मजबूती प्रदान किए जाने के उद्देश्य से सूफियाना कव्वाली का शानदार सफल आयोजन किया गया। खबर चित्रकूट से है जहां जिला बांदा के दिगवाही ग्राम के 19 वर्षीय अंकित की पशु की चपेट में आने से इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि अंकित अपनी बहन को लेने के लिए सिमरिया गांव आया हुआ था, जहां बाइक से तीन लोग घूमने के लिए सिमरिया से अनसुईया दर्शन के लिए जा रहे थे। तभी जाते समय सतना रोड के पास अंधा पशु की चपेट में आने से तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा रिक्शा के माध्यम से घायलों को जानकीकुंड अस्पताल लेकर आए, जहां घायलों की हालत गंभीर होने के कारण एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। क्या नाम है आपका? क्या घटना हो गई है? बच्ची को ले रहे हैं, तो इसीलिए लेने आए थे तो नाश्ता वास्ता और बाकी दो लोग कहाँ से जा रहे हैं? जानकी में जा रहे हैं। कहाँ से जा रहे हैं? कितने लोग जा रहे हैं और किस से जा रहे हैं? क्या नाम है आपका? खबर चित्रकूट से आज अलेक्जेंडर अनंतगढ़ के कैरियर के युवक की अनियंत्रित बाइक से गिरने से मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि मृतक अपने दोस्तों के साथ तीन बाइकों में चित्रकूट दर्शन के लिए जा रहे थे, तभी जाते समय रास्ते में झूले नदी के पास तेज रफ्तार बाइक होने के कारण अनियंत्रित होकर गिर गए। वहीं राजा बाबू के दोस्तों ने एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस के माध्यम से दोनों घायलों को जिला अस्पताल लेकर आ रहे थे, रास्ते में युवक की मौत हो गई। क्या नाम है आपका? कहाँ तो जब वो लोग साथ में हमारे जब मिलते हैं उन्होंने फोन किया तो मौके पर मौत के इलाज कराने हमें बाद में जब वो एक्सपायर हुआ नहीं मौत मौके पर मौत के इलाज कराने गाड़ी में जब बैठाया उसके बाद रास्ते में बाइक सवार कहाँ जो बाइक में बैठा हुआ नहीं तो बाइक चला रहे थे बाइक में बैठे हुए बाइक चला रहा था जो एक्सपायर हुआ जो पीछे बैठा था वो इलाहाबाद में क्या नाम है आपका